बच्चों सुप्रभात। कक्षा 11वीं में हम आज गृह विज्ञान में पाचन तंत्र में ही आगे का थोड़ा सा पढ़ेंगे और समझेंगे, मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। कुछ लीव जैसे है, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि स्टमक के बारे में, आज हम पढ़ेंगे लीवर। लीवर की रचना, लीवर के बारे में पढ़ेंगे कि लीवर क्या होता है, क्या कार्य करता है या क्या इसका हमारे शरीर में काम है, लीवर के बारे में हम देखेंगे। यकृत, इसकी रचना दाहिनी ओर से मध्य पटल बीच में डायफ्राम के नीचे रहती है और इसका रंग कत्थे के जैसा होता है। हम आगे स्ट्रक्चर के द्वारा पढ़ेंगे बच्चों। इसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई 15 सेंटीमीटर होती है। वजन लगभग 1.5 किलो होता है और आगे जाकर ये यकृत एक खड़ी कोष्ठ की दरार पोर्टल विशेष से दो भागों में बढ़ जाती है और यह अष्टकोण आकार की कोशिकाओं से बना होता है। इसकी रचना में हम और इसका थोड़ा सा डिटेल पढ़ेंगे कि कौन से अंगों का क्या कार्य है या क्या अंग बनाते हैं या किस पदार्थ में वो क्रिया करते हैं। जैसे मुख, मुख में है ये लार बनती, फिर टाइलिन में बदल जाता है ये पाचन क्रिया करके, फिर भोज्य पदार्थ पर क्रिया होती है कि कार्बोज पदार्थ बनाता है और दूध के नाइट्रोजन युक्त पदार्थ से यह प्रोटीन में बदल जाता है। फिर पाचन के पश्चात आने वाले भोज्य पदार्थ में से क्या बनाता है, माल्टोज, शक्कर, पेक्टोन और प्रोटीओज बनाता है। फिर बाद में यह क्रिया करके सामान्य अम्लीय हो जाता है। क्या हो जाता है, सामान्य अम्ल बनाता है, सामान्य एसिड है ना। उसके बाद में आगे है शर्करा, कौन से पदार्थ आगे जाकर शोषित किए जाने वाले पदार्थ बनाए जाते, कैसे, जैसे ये शोषित हो जाता शर्करा है ना, पानी, फिर पेक्टोन आदि में परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद में यहाँ देखेंगे कि ये पाचन क्रिया में कैसे कौन कौन से अंग रहते हैं, जैसे पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है और भोजन की जो क्रिया होती है वो क्या होती है, नाइट्रोजन युक्त पदार्थ और सामान्य प्रोटीन बनाता है। फिर ग्रहणी का कार्य, ये क्या है, ग्रहणी हमने पिछले उसमें जो पढ़ा है उसी के आगे हम पढ़ रहे हैं। फिर यहाँ पर है एपिटॉक्सिन, फिर ट्रिमोन बनाता है और पेप्टोन में बदलता है। फिर इसके बाद में कार्बोज पदार्थ प्रोटीन और वसा बनाता है, शक्कर, पेप्टाइड और एमिनो एसिड और वसी अम्ल जैसे ग्लिसरॉल आदि में बदल जाता है। इसके बाद छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसे क्या हुआ? जैसे हमने पिछले स्ट्रक्चर में देखा है तो ये छोटी आंत के बारे में बताया, कोई भी विकास नहीं होता इसमें, विकार नहीं होता। फिर अग्रन्याशय में रस के जाकर विकार में सक्रिय बनाता है। उसके बाद में यह अमीनो एसिड बनाता है और पेप्टाइड, ग्लूकोज एवं कार्बोज में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पर जाकर वो शक्कर में परिवर्तित हो जाता है और बाद में ये शोषित पदार्थों को वसी अम्ल आदि को शोषित करता है। अब हम आगे देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर में हमें क्या आगे पढ़ना है। आगे बताया है कि इन दोनों भागों के बीच में नीचे देखिए यकृत कैसी रचना बताई है, यकृत ये इस टाइप से होता है और जो हमने स्टमक बताया था इससे जुड़ा हुआ भाग होता है, ये क्या बता रहे हैं, लीवर है ना। फिर यहाँ पे क्या बताया,
यकृत में यहाँ पर ये पित्ताशय की थैली होती है, इसे गॉल ब्लैडर बोलते हैं, उसमें पित्तरस तैयार होता है। ये फिर इसके बाद में क्या है, पित्तरस से यकृत नली में चला जाता है और गॉल ब्लैडर में इकट्ठा होता रहता है। पाचन हेतु पित्त नली द्वारा पक्वाशय में पहुंचाया जाता है। यकृत में धमनी शिरा से निकल कर केशवाहिनियां, केशवाहिनियां इस साइड से होती है ना। तो फिर इसमें जाल सा बिछा रहता है और यकृत को पेशी में रहने वाली पित्त केशिकाओं में यकृत में पित्ताशय रस बनाकर रहती है। और इस प्रकार अपेक्षाकृत कम अशुद्ध रक्त यकृत की शिरा द्वारा अधोशिरा में पहुंचाया जाता है। पित्तरस हरे पीले रंग का होता है, क्षारीय पदार्थ होता है और इसका स्वाद कसेला होता है। यकृत की प्रत्येक पेशी विशिष्ट पदार्थों से बनकर पित्तरस तैयार करती है और पित्तरस एक ऐसा स्राव है जो भोजन को पचाने में मदद करता है। और इसके बाद में यह रेचक गुणकारी होने के कारण अतड़ियों को साफ करता है और विषैले पदार्थों को प्रभाव से नष्ट कर देता है। पित्त रस के कारण भी गुणों के आधार पर यकृत में कुछ कार्य निर्धारित किए जाते हैं, जैसा कि आगे हम पढ़ रहे हैं। ये देखिए आप, यकृत कहाँ है, ये लीवर ये बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है, ये है लीवर, ये है हमारे पेट में जो होता है वो इस टाइप से बना होता है। हमने पिछले में पढ़ा था स्टमक, जिसकी रचना ये दिखाई दे रही है, ये दिखाई दे रही है। फिर क्या पढ़ा था, स्मॉल इंटेस्टाइन जो ये अंदर की तरफ होती है, कहाँ होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, कहाँ होती है, अंदर होती है, अंदर ही अंदर। और जो बड़ी हाथ होती है वो बाहर की ओर होती है, ये वाली। क्या क्या पढ़ा हमने, प्लीहा होता है छोटा सा, यहाँ पे बैगनी रंग का होता है, इसका कलर बैगनी होता है, पर्पल पर्पल कलर का होता है। ये क्या है, प्लीहा है ना, ये लीवर, ये गॉल ब्लैडर। हमने भी बताया गॉल ब्लैडर में पित्तरस की थैली जो बनी हुई रहती है और इसमें पित्तरस इकट्ठा होता है। लीवर का काम क्या बताया हमने, कि ये जो ये पित्तरस होता है ये भोजन को पचाने में कार्य करता है और लीवर में पित्तरस का केशवाहिनियों में पहुंचाता है। और ये लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा हमारी भोजन नलिकाओं में ये भोजन को पचाने का कार्य करती है। बच्चों आपको ये चित्र के द्वारा स्ट्रक्चर बनाना है और आपको अच्छी तरह से इसको पढ़ना है, इसी में से क्वेश्चन आपको आ सकते हैं और आपको कॉपी बनानी है।